नमस्कार खेड मित्रों, स्वागत है अपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आज वीडियो में आप हवामान खाता द्वारा चौमासा अंगेनी आगाही करेल तना विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहला जो अपनी आ चेनल पर नवा हो चेनल ने हजु सुधी सब्सक्राइब न करी हो तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लेवा विनंती, जेथी करी अपनी चेनल पर जयरे पण नवी माहिती मुकवामां आवे त्यारे ते माहितीना वीडियो नोटिफिकेशन तमने मळी जाय। तो चालो शुरू करिए आज अपनो आ टॉपिक, खेडूतो माटे महत्वना समाचार। तो चोमासा अंगे हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवेली छे, क्यारे चोमासुं शरू थशे ते अंगेनी जे अगाउ आगाही करवामां आवेली हती ते आगाही हवे बदलाई गई छे। तो जाणो संपूर्ण माहिती आ वीडियोमां, तो वीडियोने छेल्ले सुधी जोता रहेजो जेथी करी अने हवामान विभागनी आगाही विशेनी तमाम माहिती तमने मळी जाय। तो खेडूत मित्रों, चोमासु 31 मे ना बदले बे दिवस मोड़ू शुरू थशे अने 3 जूने केरल थी आगमन थई जशे। हवामान विभागे IMD ए आगाही करी छे के आ वखते चोमासु अनुमान करता बे दिवस मोड़ू शुरू थई शके छे। केरल में चोमासानुं आगमन 3 जूने थवानी शक्यताओ छे, ज्यारे खानगी एजेंसी स्काईमेट वेधर नो दावो छे के केरल में चोमासानी शुरुआत थई रही छे। आ पहेला हवामान विभागे दावो कर्यो हतो के 31 मे चोमासानी शुरुआत थशे, जो के हवे बे दिवस मोड़ शुरू थशे। सरकारी हवामान विभागना जणाव्या अनुसार 1 जून थी दक्षिण पश्चिमी हवा धीरे धीरे जोर पकड़ी शके छे, जेना पगले केरल में वरसाद संबंधी गतिविधियों में तेजी आवी शके छे अने जे जोता केरल में आगामी 3 जून नी आसपास चोमासानुं आगमन थवानुं अनुमान छे। आ उपरांत आ वर्षे चोमासु केवुं रहेशे ते अंगे पण आगाही करवामां आवेली छे। तो हवे आपणे आगळ ते जोता जईए के ते शुं आगाही करवामां आवेली छे। तो हवामान विभागनुं कहेवुं छे के आ वर्षे दक्षिण पश्चिम मोनसून सामान्य रहेवानी शक्यताओ छे, जून थी लईने सप्टेम्बर सुधी वरसाद पड़वानी शक्यताओ छे। हवामान विभागना एम महापात्राए कह्युं हतुं के कर्नाटक तट पर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन ने कारणे दक्षिण पश्चिम चोमासानी गतिविधि पर असर पड़ी छे। आगामी 5 दिवस में पूर्वोत्तर राज्यों में केटलाक स्थळोए वरसाद पड़शे अने केरल में सामान्य रीते 1 जून ने चोमासानुं आगमन थतुं होय छे, जो के एक दिवस वहेला शुरू थवानुं अनुमान हतुं तेमां हवे 2 दिवस मोड़ू थयुं छे। आ साथे ज आ वर्षे चोमासुं सामान्य रहेवानुं अनुमान छे अने बीजी तरफ चोमासाना आगमन ने गणतरीनो समय बाकी छे एवामां दिल्हीना हवामानमां मोटो पलटो जोवा मळी रह्यो छे। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार ठीकठाक वरसाद पड़वानुं अनुमान छे। रायसीना हिल पासे हवामानमां अचानक पलटो आव्यो हतो अने जेना पगले अहीं वादळाभर्युं वातावरण छे। गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद अने नोएडामां भारे पवन फूंकाई रह्यो छे। तो आ प्रमाणे छे ते हवामान विभाग द्वारा जे आगाही करवामां आवेली छे, एटले के जे 1 जूने सामान्य रीते केरळमां चोमासुं शरू थतुं होय छे परंतु ते एक दिवस वहेलू शरू थवानुं अनुमान हतुं तेना बदले हवे ते 2 दिवस मोड़ू शरू थई छे। तो मित्रो, हवामान विभागने लगती तथा सरकारी योजनाओं ने लगती अने जमीन रेकर्डने लगती आवी ज माहितीओ माटे आपणी चेनल साथे जोड़ायेल रहेजो अने वधारे माहिती माटे आपणी वेबसाइट trickgujarati.com ની મુલાકાત અવશ્ય લેજો। જો તમને મારો આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાવી તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડિયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લો, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।